नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार विधानसभा का चुनावी सर्वे करते करते अब हम पहुंच गए हैं सहरसा जिला के सोनवर्षा विधानसभा की ओर। अब सोनवर्षा विधानसभा से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं तारिणी ऋषिदेव जी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं और इनसे जानेंगे क्या कुछ मैनिफेस्टो इनके पार्टी का इस चुनाव को लेकर है और खासकर सोनवर्षा जैसे क्षेत्र में किन किन वादे को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच किन आश्वासनों पर काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका तारिणी जी मोबाइल न्यूज़ 24 में। सबसे पहला सवाल कि क्या कुछ मैनिफेस्टो आप लोगों ने क्या क्या मुद्दा बनाया है इस चुनाव के लिए? सोनवर्षा स्पेशली जो है एक तरह से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, ऐसे में वहाँ के लोगों के लिए क्या क्या आप लोग वादे कर रहे हैं? वहाँ की समस्या है, जल निकासी वैसी इलाका है, वहाँ का समस्या जल निकासी के लिए पहला है, वह हम समस्या एक नंबर में पहला हम वह वादा किए हैं जनता के बीच में, वह समस्या पहले दूर करेंगे हम। ये समस्या पहले आप दूर करेंगे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं वहाँ पर। आप देखेंगे कि बाढ़ हो, जैसे जल निकासी की आपने बात की है, सड़कों की समस्या है, सड़क आप देखेंगे बिल्कुल है ही नहीं। हम लोग भी सड़कों पर चलते चलते पहुँचे और खासकर इन क्षेत्रों में जो कोसी बेल्ट का अपना एरिया है, यहाँ पर लगता नहीं है कि धरातल पर कुछ काम हुआ है। ऐसे में आपका क्या सोनवर्षा की जनता से अपील रहेगा इस चुनाव को लेकर? क्योंकि सेम ही देखिए, बिहार की चुनाव कहते हैं कि जातिवाद की राजनीति पर आधारित होती है और रमेश ऋषिदेव जी वहाँ पे पहले से हैं, तो किन मुद्दों को लेकर उनको घेरने की कोशिश करेंगे, क्या क्या एजेंडा आप बनाएंगे? सड़क का जहाँ तक सवाल है, वह हम वादा किए हैं जनता के बीच में, इस समस्या का हम निदान करेंगे। हमारा सरकार भी हमें पूर्ण सहयोग करेगी, जब हमारी सरकार होगी इस समस्या का हम निदान करेंगे। जनता से हमने यह वादा रखा है। क्यों जनता आपको वोट क्यों दें? अगर एक बेनिफिशियरी हम देखें कि जो दो दल है, तीन दल है, पांच नेता है, दस नेता है, ऐसे में आपको ही क्यों चुने वहाँ की जनता? क्या आप नया करेंगे उनके लिए या आप में क्या डिफरेंस है बाकी उम्मीदवार और आपके में? हम जनता से काफ़ी सब दिन हर दुख दर्द में साथ रहे हैं। आज 15 साल से हम क्षेत्र में जो भी समस्या हुआ है, सबसे पहले मैंने वहाँ पहुँचने का काम किया है और जनता के दुख को बांटने का काम किया है। जो भी समस्या आया है, सबसे प्रथम मैं वहाँ उपस्थिति दर्ज किया है। इससे जनता में है खुशी, जो हमारा घर का नेता आएगा तो हमारा और भी समस्या निदान होगा। देखिए, देश के अगर हम अभी की स्थिति देखें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर मानी जा रही है अन्य दलों के मुकाबले में। ऐसे में गठबंधन है आरजेडी के साथ, तो इस बार लग रहा है कि कांग्रेस भी एक मजबूत स्थिति में है और कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। आप क्या कहेंगे जो वोटर हैं, उनसे आपकी अपील, क्या संदेश पार्टी से ऊपर उठकर कि आप कैसे और किस प्रत्याशी को वोट दें, कैसे उम्मीदवार को चुने? नहीं तो वहाँ सब मन बना लिया है, इस सरकार से त्रस्त है जनता, वह मन बना लिया है जो यहाँ परिवर्तन चाहिए और मैं उनके साथ हूँ। जनता का जो सपना था वह मैंने पूरा करने का वादा किया है और जनता के मुताबिक मैं अपना सब काम करने के तैयार हूँ। क्या बिहार की जनता तेजस्वी जी और राहुल जी के चेहरे को पसंद करेगी? जी, पसंद करेगी। हम बात कर रहे थे तारिणी ऋषिदेव जी से और ये सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इनका स्पष्ट रूप से मानना है कि पिछले 15 सालों से सोनवर्षा की जनता त्रस्त है और आने वाले समय में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार का सरकार बनेगा। कैमरा पर्सन बालकिशन के साथ अभिषेक कुमार, मोबाइल न्यूज़ 24, सहरसा, बिहार।